Okay, so we are live and then we can start. So, welcome all. Uh, like always, there will always be people joining a couple of minutes late. So, I will just first give an introduction what we are going to do today. So, today we are going to revise. We, we learned six conjunction last time und oder aber, while obwohl, when. We are going to revise them.

or it's very interesting for me i am a man who likes statistics and uh, believe it or not statistics reveal a lot of things that you also don't know about yourself so i think we have spent uh, enough time and we can start basically with the statistics okay so uh, even though we are seeing uh, the results now as i have i would strongly recommend kingin logonia Uh, वो टेस्ट नहीं दिया है अभी भी जाके दो इट स्टिल इज गुड फॉर यू इट इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस अभी तो एनी anyway, वे उसका ये हो गया है बट एटलीस्ट यू विल नो कि आप कहाँ पे हैं ओके नाउ लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिफोर गोइंग दैर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वो बोलते हैं ना देर इज अंग दैट द मोर वी आर डिफरेंट द मोर वी आर सेम मतलब जितने हम डिफरेंट होते हैं उतने हम सेम होते हैं सो आई गॉट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू Uh, पुराने लोगों में से ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड एंड इलेवन लोगों ने टेस्ट दी नए जो ज्वाइन किया था उनमें से फिफ्टी नाइन लोगों ने दी द्यूरियसिंग अबाउट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पीपल लर्निंग टूगेदर हम ऑलमोस्ट दो हजार पांच सौ थे उसमें से साठ लोगों ने 600 सौ लोगों ने दी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फोर्टी लाइक ट्वेंटी पीपल ज्वाइन और उसमें से भी साठ लोगों ने दी सो द रेशियो ऑलवेज रिमेन सेम इवन इफ वी सी द इवन इफ वी सी द रिजल्ट इंपॉर्टेंट ये हम क्यों कर रहे हैं ये समझ लो ये आपको जज करने के लिए नहीं है प्लीज प्लीज आई डोंट नो इफ यू प्लीज डोंट राइट एनीथिंग इन द चैट विंडो नेक्स्ट टाइम इफ यू राइट एनीथिंग इन द चैट विंडो यू विल बी रिमूव please remember, first time, please don't join on zoom. they close youtube. please don't. Uh, we all, our time is very precious. as i said, it's, it's about 2,000 people. let's not uh, divert from the topics. okay? okay. let me share my screen. Uh, let me know once you start seeing it. okay. you can see my screen. yes. 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 Uh, yes, yes. yes. Uh, yes, yes sir. Okay. मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं believe, लोगों ने गाली भी लिखी है नाम में यूल ऐसे लोग मिलते हैं मतलब मैंने इनको इग्नोर करना छोड़ दिया है जान बुझ के करते हैं एक्स वाई जेड एट जी मेल डॉट कॉम लिखते हैं मुझे क्या मिलने वाला है आपका नेम और प्लेस जान के मुझे कुछ नहीं मिलना है इट जस्ट अ प्लेस होल्डर समझ रहे हो ना

टेन फिफ्टीन रिस्पॉन्स काउंट इज थ्री फोर वगैरह अगर आप उसको इग्नोर करो तो मीडियम गो टू इज वेरी सिमिलर टू वॉट वी सी हियर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाउ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पे गलत हुआ एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू टू सॉल्व दिस सो इफ यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गिव यू मोर देन फिफ्टी परसेंट Wrong questions, कि जिनके पचासन दार्टिंग and, and the, the, the हो या बाहर से सीखा हो दोनों का भी फिफ्टी परसेंट से लेस अठावन में से अठारह लोगों को छह सौ पांच में से सिर्फ दो सौ तिरपन लोगों ने करेक्ट लिखा है एयर डॉट 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 लर्न इंग्लिश बेसिक ये क्यों है क्योंकि आपने एवरीबडी फॉरगॉट दैट एक बार आप पास टेंस में चले गए तो टी नहीं लगाना है एर ल, एर नहीं एर लर्नट दिस इज व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स इश डॉट डॉट नाक बर्लिन गेगांगन, गेगांगन है तुम्हारी जगह चेंज हो गई है इसीलिए इट शुड बी जइन का पास टेंस इश वार नाक बर्लिन गेगांगन जहर गेहर टर हेरमुलर लीबर लीबर देखो इसमें भी जो लोग बोलते हैं कि मेरा एवन हुआ है जिन लोगों ने बोला है कि हम कहीं से ए वन ए टू भी करके आए हैं उनका भी फिफ्टी नाइन में से ट्वेंटी एट आर गिविंग अप हाफ अ मार्क इन यूर एग्जाम क्योंकि वो जहर गिहर आप जहर गिहर टर लिखोदे मार्क विल बी गॉन ओके आई होप सो लेट्स वेरी क्विकली गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन और जहां पे मुझे लगता है कि एट्टी परसेंट से ज्यादा लोगों के कम मार्क्स करते हैं वहां पे हम डिस्कस करेंगे इस दो एच की जरूरत नहीं है 94 नो नीड 82 आउडी, man, नहीं, होता है, उतना तो आना चाहिए अभी okay, okay, एर, एर पिज्जा एसन मतलब एर विल्ट नहीं होता देखो सिर्फ इश्क एक सिर्फ पढ़ के लोगे कि भाई के बाद ई लगता है दो को एस टी एर को टी तो नहीं होगा राइट डाल वर्ग के लिए क्या है इश और एर फॉर्म सेम होते हैं थर्टी टू परसेंट आउटुटिंग टी इज अ वेरी वेरी अलार्मिंग साइन हम ए टू को इतना आगे का आज इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह पढ़ रहे हैं पर अगर एरव बोल रहे हो तो कोई यूज नहीं समझ रहे हो नाइनटी फाइव परसेंट अगेन ओके सेवेंटी सिक्स परसेंट अगेन एरविल्ड अरे यार समझ लो एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस पूरा फ्यूचर टेंस एक फ्यूचर टेंस और एक कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस दो टेंस आपको सिर्फ चार वर्ड करने से मिल रहे हैं इश er, Vird, 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 वर्ड दू विस्ट एर विर्ड वी वर्डन विर्ड वर्डन चार वर्ड करके दो टेंस मिल रहे हैं उतने भी आपसे होते हाउ विल बी गो राइट समझ रहे हो ना इट्स डिसअपॉइंटिंग थिंग अगेन ये तो हमने कितनी बार किया यार क्यों नंजी मिया गेबन? ये हमने जब रिक्वेस्ट रट्टा मारे तब भी मैंने बोला था कि मिया अभी के लिए याद रखो फिर जब हमने इशमिश मियर सीखा वी लर्न इशमिश मियर मैंने बताया कि मियर क्यों होता है चेक करो अगेन इट्स इट्स वेरी मतलब सिग्निफिकेंट थिंग केसेस के बारे में आई विल नॉट सेली से जब आप इश लीब माइन फाटर लिखते हो ना तो पता चलता है कि आपने केसेस नहीं किए हैं इश लीब माइन फाटर करेक्ट लगेगा ही वो माइनन फाटर क्यों है अकूजाटिव मेल वो समझाने का ये टाइम नहीं है अगेंस्ट उंजर र क्यों होगा क्योंकि फ्यूर इज अक्टिव अक्टिव फीमेल ई e ही रहता है आईना रहता है इसलिए मार्क्सिलोस्ट थिंग आई एम रियली सरप्राइज दिखा नहीं कि टी देखो हमने जब पास टेंस याद किया इफ यू रिमेंबर कितना भी फालतू कितना भी डेंजरस वर्ब होने दो जब पास टेंस में जाता है तो वो एकदम सीधा बन जाता है

जगह चेंज हो रही है तो जइन का रूप लगेगा और ऑप्शन में सारे पास्ट टेंस वाले थे इसलिए वार लगेगा अगेन जहर गिहर तो लीबर लीबर जस्ट लाइक देर एंड दी ये हमने सीखा है डिटेल में सीखा है एट थर्टीज हल्ब नॉइन भाई हल्बाक्ट फिर भी समझ सकता हूं मैं हल्ब जीवन कैसे यार मतलब <laughs>

कि भाई अक्टिव और स्पेशली डाटिटिव और डाटि प्रशन विच इज नॉट न्यू वी न्यू दिस विल हैपन एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जब वर्ग चलते हैं हर बार इश ईश दू स्पील एर स्पीड नहीं मोडाल वर्ब में क्या है इश और एर सेम है सिमिलरली वही फ्यूचर टेंस को है और वही पास टेंस को है देखो ये आपके लिए बनाने में मैंने आई हेड स्पेंट अ कंप्लीट डे ऑन दिस क्योंकि ऐसे ही कॉर्नर केस बना के मैंने वो पेपर बनाया था समझ रहे हो ना एंड सो so, अगर अभी भी आपने नहीं सॉल्व किया है तो फर्स्ट सॉल्व दिस पेपर एंड देन यू कैन सी द एनालिसिस ओवरऑल स्टिल दो आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी दैट द एवरेज और मीडिया मीन मीडियन इज कमिंग टू ट्वेंटी फाइव एंड आई थिंक वी आर ओके टू गो ओके एनी बड़ी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टेस्ट एंड रिजल्ट

Er, what, sir? Please explain er in English again. What is to be explained for er? Er is er is he. Er is he. So when you are in past tense, the ish form and er form are exactly the same. Ishwar, erwar. Ish learnt, er T nahi. There is no, no t in. Uh, it. A question in the test. The question. That's what I'm saying. Er learnt English because. Ish form will be lanta, uh, er form will be same. In past tense, you don't add t. Just revise, just once revisit the uh, past tense uh, section and you will understand. Okay? Yes. No, sir, you, you said uh, ish, er, uh, the form are same in uh, past. डिटेल में नहीं जाएंगे हम ओके पास टेंस का लेक्चर देखो इट विर ओकेबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस पास टेंस क्वेश्चन ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज कंसेप्ट सो इन लास्ट क्लास वेरी क्विकली वी लर्न ट and aber und oder and aber they are simple connectors those sentences low or beach may unko dal do take two sentences and add und and then we learn three while obwohl and when while means because Obwohl means even though and when means if when means if and in that what we learned स्वरा खेड़े कर मत करो यार मत करो मुझे नाम लेना बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि 2000 लोगों के आपका नाम आता है बट डोंट डू दिस प्लीज मी गाइस वो जो मतलब साधु लोगों जितनी इतनी शांतता रखनी पड़ती है इसके लिए पता है एनीवे anyway, uh, when is इज इफ So, यहां पे क्या होता है हमने सीखा आफ्टर दीज आफ्टर दीज कंजन आपका जो कंजुगेटिंग वर्ब होता है या सेकेंड पोजिशन वाला वर्ब होता है वो एंड में जाएगा द वर्ब इन द सेकेंड पोजिशन और द कंजुगेटिंग वर्ब विल गो इन द एंड एवरीबडी रिमेंबर दिस वेरी क्विकली फाइव सेंटेंसेस बनाते हुए ऑलरेडी लॉस्ट सम टाइम बट वेरी क्विकली जिन लोगों को सॉल्व करना है क्विकली सॉल्व करो एकदम सिंपल वाले लेता हूं मैं या फिर सिर्फ ऑर्डर के नहीं लेते हम सिर्फ के लेते हैं बिकॉज़ ऑर्डर इज लिटरली टू एंड एडिंग समथिंग इन बिटवीन देम इट्स नॉट वर्थ इट जस्ट विल टेक वाइल वेन एंड उबोल ओके सर यस सर वेरी क्विकली फाइव सेंटेंसेज से इंटरेस्टिंग बनाते हैं फिर बट के लिए नहीं जाते आपको कंफ्यूज नहीं करना है मुझे अगेन मैं आई नाइन में नहीं जाना चाहता इसलिए मैंने इफ आई है बॉल नहीं लिखा है आई नो की देर शुड बी है Let me quickly check the... See, Arvind, there will always be people, ऐसे लोग हमेशा से होंगे कि तो आप ज्यादा इंग्लिश बोलते हो आप ज्यादा हिंदी बोलते हो आई ट्राई माई बेस्ट की आई ट्राई टू की जितनी कोशिश करता हूँ उतनी कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों साइड से बोलूँ बट ऐसे हर चीज दो बार बोलना इज इट विल नॉट बी गुड ऑल्सो मतलब इवन इफ आई ट्राई टू डू इट कि वही चीज इंग्लिश वही चीज हिंदी हम बहुत स्लो हो जाएंगे आई थिंक I try to make sure that at least the crux is understood in both languages. मतलब मैं try करता हूँ कि दोनों languages में समझ जाए. But yeah, वो वो limitation तो रहेगी. But I मैं ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ सकता कि जिनको हिंदी समझ में नहीं आती. Uh, so I cannot, I cannot leave behind people who don't understand Hindi. At the same time, ऐसे भी लोग हैं कि जिनको उन जिनकी English अच्छी नहीं है, तो उनको भी सिखाना पड़ेगा. Those who are joining new प्लीज ऑल द अर्लियर सेशन आर अवेलेबल इन द्ले लिस्ट इसी की प्ले लिस्ट में इफ यू जाके जाके देखो वीडियो तो आपको प्ले लिस्ट मिलेगी ओके आई एम सींग लॉट ऑफ डेट सी किससे क्वेश्चन पूछते हैं सचिन वॉज जस्ट डन राइट लास्ट टाइम fabian fabian are you there fabian i'm not able to understand monisha are you there yes uh, yeah so after 15 seconds you can give answers the pattern is always same english german and a small break okay okay let's give another 15 seconds for people to solve Yeah, you can start. I drink tea because I want to drink tea. Isht drink tea while isht te drink and will. Ish drink will. Very nice. Very nice. Next. Uh, he cooks Maggie even though he can cook pasta. Air er cooked Maggie of whole air er pasta cook can. Very nice.

वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट हमने लास्ट टाइम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में लिया था तो हम फिर से उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट उसके जैसी ही है वो अगर आप ठीक से करोगे तो आपको वो समझ में आएगा ही ओके okay? तो अभी नेक्स्ट इसी का यूज करके इसी का यूज करके मतलब क्या ये जो वाइल वगैरह हमने देखे जो वर्ब आम एंड वाले हैं उसी का यूज करके हम इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे ओके सो सबसे पहले एवरीबडी नोज एटलीस्ट वॉट इज इन डायरेक्ट स्पीच राइट मतलब आई डोंट नो वॉट इज इट कॉल इन हिंदी आई एम नॉट श्योर वाई लाइक अंजन आई होप यू आर नॉट पार्ट ऑफ द लास्ट क्लास इफ यू आर गेटिंग जीरो प्लीज मेक श्योर दैट आप लास्ट वाला लेक्चर कीजिए यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर एवरीबडी नोज इन डायरेक्ट स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं किसी को पता है

व्हाट डू यू कॉल हिंदी जाने दो वी दैट ओके नाउ आई वांट यू टू टेल मी इंग्लिश चलो इंग्लिश में करते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच करो सब लोग म्यूनिक इज गुड पांच टेंस को भूल जाओ सिंपल इसमें म्यूनिक इज गुड केदार सेज म्यूनिक इज Anybody else? He says एनी बड़ी एल्स नहीं केदार को रहने दो यार केदार का नाम क्यों निकाल रहे हो केदार सेज तो ठीक है उसके बाद केदार अब टू मी क्यों केदार किसी was को भी बोले गए okay, जाने दो आप आप कहीं पे भी जा रहे हो यार पहले का था वही करेक्ट था वेन यू आर डूंग केदार सेज म्यूनिक इज गुड इन इंग्लिश यू एड दैट दार सेज दैट म्यूनिकुड एवरीबडी नोज दिस आप बोलते हो केदार सेज फिर कॉमा लगाते हो दैट म्यूनिक इज गुड यहाँ पे ओके है यहाँ तक ओकेदार केदार आस्क इज म्यूनिक गुड क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच केदार आस्ट इफ म्यूनिक इज गुड बेहतर

ये इंग्लिश की क्लास नहीं है राइट दिस इज नॉट इंग्लिश क्लास सो उसके इसमें मत जाओ कि हम इसका वर्ब चेंज करते हैं हम इसका वो चेंज करते हैं वेरी सिंपल लेवल जितना आपने को जर्मन के लिए चाहिए उतना चाहिएदारे दैट जर्मन इज गुड एग्रीड जब वेन यू आस्क यस नो क्वेश्चन वेन यू आस्क यस नो क्वेश्चन आप लगाते हो वेदर या इफ आई डोंट लाइक इफ बिकॉज इफ के दो रूप हैं और फिर आप कंफ्यूज होते हो मतलब इंग्लिश की एक लिमिटेशन है कि हर जगह एक चीज चिपका देता है कि भाई मतलब इफ आई हैव मनी वो भी इफ है और आई टू नो इफ यू हैव मनी वो भी इफ वो अलग है सो so, इसलिए वेदर इज इस बेटर सो so, जब आप यस नो क्वेश्चन पूछते हो तो उसको कैसे जोड़ते हो केदार आस्क वेदर म्यूनिक इज गुड यहां तक क्लियर है Yes. Yes. अभी तक yes. हमने जर्मन शुरू ही नहीं किया है लेंगे जर्मन भी लेंगे नो no प्रॉब्लम क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आता है ना तो जर्मन आता है इट्स वेरी सिंपल फिर आपको दो वर्ड नए सीखने हैं सिर्फ आज के कंसेप्ट में कितने दो वर्ड ओके एंड केदार आस्क केदारेर इज ओवी चलो करो दिस इज इंटरेस्टिंग केदार आस्क वेयर ओवी इज ओके दैट्स वन आंसर एनी वन एल्स Kedar asked that where is ob? No, it's not a statement. Anybody else? English है ना हर किसी ने अपने रिज्यूम में लिखा है इंग्लिश प्रोफिशन राइट केदार आस्ट वेर ओबी इज नॉट बैड where ob was? वो जाने दो पास टेंस में नहीं जाए केदार अभी पूछ रहे हैं वो अन्य सिर्फ उसमें मत जाओ केदार के के अभी पूछ के आस्क 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 इसीलिए मैंने वेदर ओवी इज देयर और नॉट अरे ऐसे थोड़ी ये तो आपने मैंने पूछा था वो भी कहा है आपने पूछा यहाँ है कि नहीं दिस इज नॉट अ क्वेश्चन राइट एनी वे ऑफ यू आंसर करेक्ट बट यू इन इन इंग्लिश ऑल्सो समाइम्स आपने देखो यू चेंज द सेंटेंस ऑर्डर क्वेश्चन वॉज केदार आस्क वेर इज ओवी द करेक्ट आंसर इज केदार is ओवी एंड में गया आपका समझ रहे हो ना टेक्निकली वो एंड में नहीं गया वो ओवी के बाद गया where के बाद second position पे verb नहीं आया second position पे ओवी आया समझ रहे हो ना पर yes. अगेन हमने इंग्लिश मार के पढ़ा है आप हाँ में से किसी ने कभी ये सोचा नहीं होगा राइट right? कभी सोचा है कि इंग्लिश में ऐसे कब हुआ समझ रहे हो बट वो अभी अपना पॉइंट नहीं है कि भाई केदार आस्क वेयर केदारेदारेर इज या केदार आस्क वेयर इज ओवी अपने लिए इंपॉर्टेंट है टू आपने कुछ यूज किया क्या नहीं किया एवरीबडी मेड मिस्टेक्स बाकी के सारे मिस्टेक्स किए बट एवरीबडी डिड वन थिंग करेक्ट वेन देर इज अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन आप जोड़ने के लिए कुछ नहीं यूज करते दैट डब्ल्यू एच इट्स एक्ट एज अ कनेक्टर समझ रहे हो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस यस यस सर सर देखो जब आपने पूछा केदार is OV, या गुड तो आपने क्या किया आपने केदार Munich is good. आपने केदार एक extra word, weather, लगाया। पर जब आपने बोला केदार आस्क वेयर इज ओवी आपने केदार आस्क वेदर वेयर इज ओवी नहीं बोला केदार आस्क वेयर इज ओवी वेयर इट या फिर यू कैन से देर इज नो कनेक्टर कंसेप्ट समझ में आई यस सर द रीजन अभी आप अभी आप बोलोगे लास्ट दस मिनट से आप मेरे को इंग्लिश क्यों सिखा रहे हो व्हाई वी आर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज द एग्जैक्ट कंसेप्ट द एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट इज इन जर्मन पर लोग बोलते हैं जर्मन में ऐसा क्यों है अरे बीच में कनेक्टर क्यों नहीं है और यहाँ पे तो आया और यहाँ पे ऐसे क्यों यू डिड द सेम थिंग वेन देर वॉज अ स्टेटमेंट यू एडेड दैट इन इंग्लिश when there was a statement, when there was a yes no question you added whether in English. when there was a question you didn't add anything in English. everybody agreed with me on this, right? Yes, sir. Yes, yes. आ, इतना किया अगर ये आपको समझ में आया तो दो ही चीजें आपको याद रखनी हैं. पहले तो we need to learn only चलो ये किसी ने कौन नाम थी वो स्वरा ने मेरा सुना नहीं यार मेरे को बुरा लगा. Let me remove it. That's very sad.

एनीवे anyway, अगर कोई भी लैंग्वेज पूरा एकदम अपोस्ट्रोपी और उसके इसके एनी वेस्ट्रोपी आप जो बोल रहे हैं, वो हमने इसमें देखा है हम बाद में करेंगे, है? जब हम दैट से ज्वाइन करते थे ना नॉर्मल सिंपल सेंटेंस उसके लिए हम जर्मन का यूज करेंगे दास दिस इज पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आप से आगे जाने वाले हो तो हर जगह ये आपको लगेगा इससे आप ना इतनी सारी चीजें कर सकते हो हम उस पर बाद में बात करेंगे बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आपको आगे जाके अपने खुद के माइनिंग लिखने हैं ओपिनियंस लिखने हैं ओपिनियंस है, बोलने हैं कोई भी चीजें करनी है तो ये दास आपके बहुत काम आने वाला है सो so, जहां पे इंग्लिश में आप दैट से ज्वाइन करते थे जब स्टेटमेंट होता था जर्मन में आप उसको ज्वाइन करोगे दास से जहां पे इंग्लिश में आप वेदर से ज्वाइन करते थे वहां से जर्मन में आप यूज करोगे ओब से ओब ओब अगेन प्लीज डोंट राइट डाउन दैट दैट इज इक्वल टू दास नहीं इंग्लिश ने डिसाइड किया कि भाई मैं दैट यूज करूंगा जर्मन ने यूज किया डिसाइड किया कि मैं दास यूज करूंगा दैट डजेंट मैटर की दैट डजेंट मीन की दैट ट्रांसलेट्स टू दास इन जर्मन राइट इट्स जस्ट हमने यूज किया कि के मैं मैं समझता हूं कि अभी के इज नॉट इक्वल टू दैट इन इंग्लिश राइट सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जैसे wh क्वेश्चन में हम कुछ नहीं लगाते थे इंग्लिश में सिमिलरली इन जर्मन आल्सो वी विल नॉट ऐड एनीथिंग इन wh क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नो नो खुद जो wh क्वेश्चन था वही यहां पे भी इट विल एक्ट एज कनेक्टर समझ रहे हो सो so, जहां पे दैट अगर स्टेटमेंट होगा या फिर आप ऐसे भी लिख के लिख सकते हो अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो इफ इट इज अ स्टेटमेंट देन यू विल यूज इफ सिंपल स्टेटमेंट दास यस नो क्वेश्चन देन ओब विल बी दर कनेक्टर एंड अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन ही तुम्हारा एज अ कनेक्टर एक्ट करेगा एवरीबडी अंडरस्टूड द कंसेप्ट

तो लेट्स थिंक, ओके नाउ इसका करते हैं चलो आई थिंक दैट म्यूनिक इज गुड या फिर बेस्ट नहीं करते जाने दो म्यूनिक इज ब्यूटीफुल, या फिर जाने गुड ही रहने दो सो इश डेंक थिंक इज डेंक दैट की जगह क्या आएगा दास म्यूनिक Munich के लिए München लिख देते हैं म्यूनिक का नाम जर्मन में म्यूनशन है और नॉर्मली क्या होता इस्ट गुट पर अभी गुट के जैसे इस्ट एंड में जाएगा एवरीबडी अंडरस्टैंड कंसेप्ट अगेन आप क्या करोगे पहले म्यूनिक गुट बना लोगे और फिर इस्ट को पीछे ढकेल दोगे मैंने अभी ये क्विकली किया क्योंकि हमने ये बहुत बार किया सिमिलरली okay. केदार आस्क इज म्यूनिक गुड क्या होगा केदार आस्क टू आस्क इज फ्रागन फ्राग अगेन यहां पर वेदर होता चलो यहां पर ही कर लेते हैं वेदर इंग्लिश में अगर देखोगे तो आपने भी इंग्लिश में भी उसकी यह बदली थी पर हमको यहां नहीं जाना म्यूनिक इज गुड तो अगेन हम क्या करेंगे? ओब करेंगे और फिर से म्यूनिक इज गुड म्यूनशन गुट इस्ट गुड फिर से हम ईस्ट को पीछे लेके जाएंगे म्यूनशन गुट इस्ट लास्ट वन केदार आस्ट Where is इसमें हो जाता इंग्लिश में उसका पास टेंस हो जाता केदार आस्क केदारेर ओवी इज तो जर्मन में एक्चुअली यहां पे इंग्लिश में भी वही हुआ था बट एनी वे केदार फ्राक्ट अगेन बिकॉज इंग्लिश में भी देर वॉज नो कंजंक्शन जर्मन में भी नहीं है वो ओवी इस्ट अंडरस्ट सर सेकंड वाले में भी क्वेश्चन मार्क आएगा ना दोनों बार यस yes. अगर इट्स क्वेश्चन यस अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट उसमें हम अभी नहीं जाएंगे एकदम सिंपल आप अगर इंग्लिश में भी लगाते तो जर्मन में भी लगाओ क्वेश्चन मार्क्स डॉट्स एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देयर सेम टू सेम कांसेप्ट समझ में आई लिख लो आई विल चेक YouTube पे भी लोग लिख रहे हैं क्या देन okay everybody wrote this down see the concept is very simple a statement if there is a question you will uh, uh, if there is a yes no question you will add ob if there is a wh type question that itself will act as a, uh, uh, a connector and at the end all of these are all of these are verbum and the conjunctions everybody understood the concept anybody any doubts one question kya tha yes uh, yeah. last statement mein wo ov east hai to usme humne change nahi karna hai is that correct ki wo east ov nahi hoga normally वो ईस्ट ओवी होता ना आप समझ रहे हो ना अगर simple question होता कि where is ov आप German में क्या करते हैं okay.

बट इन फॉर जर्मन हमने अपना ही रूल यूज किया है नॉर्मल क्वेश्चन वेर इज ओवीन क्लियर है समझे ओके एनीबडी एल्स एनी अदर डाउट यादार एक्चुअली यू सेड दैट डज नॉट मीन दस

that this this das D -A -S 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 das can be your life saver in many things. I don't know know if you know this, but जब जब देर टू बी हंड्रेड्स ऑफ ये होते थे क्या बोलते थे कि मतलब घर में जब used to be joint family नए मेहमान अचानक आ गए तो दाल तो वही बनी हुई है सो वॉट वी we वी एड we, we water इन इट कि भाई दाल वही है पर उसमें थोड़ा पानी डाल दो चल जाएगा थोड़ा बड़ा ज्यादा दिखेगा ज्यादा लोगों में बांट सकते हैं हम मतलब दो दो लाइन का वो जो आ, आंसर है उसको चार लाइन का कैसे करना ऑफ अस नोज दैट हाउ टू मेक लाइसेंस बिगर सिमिलरली दिस थिंग दिस हेल्प्स यू अ लॉट सिंपल थिंग कि भाई डॉइच लर्नन हमने जर्मन पढ़नी ही चाहिए ज अलटेंस इज सेंटेंस मैं अगर बोलूंगा एकदम उसपे वजन आ जाता है अगर मैं बोलू आई एम ऑफ द ओपिनियन इश बिन माइन दास व्यर म्यूसन मेरा ये मानना है कि हमने जर्मन पढ़नी ही चाहिए मैं इस मुद्दे पे अड़िग हूं कि हमने जर्मन सीखनी ही चाहिए आई एम ऑफ द व्यू दैट एट द एंड बोलना क्या है मुझे कि वी शुड लर्न जर्मन समझ रहे हो ना बट उसको ही मैं थोड़ा सा एकदम उस पर जोर या उसको जो एक्सप्रेशन है कैसे आई थिंक दैट आई बिलीव दैट आई वॉन्ट टू से दैट आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आई स्टे आई आई हैव अ व्यू पॉइंट दैट all that use karke na and it is especially important it's especially important when you are going to write your opinions in b1 jab hum tab jayenge tab aapko is das ki value pata pasand aayegi it's 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 crazy important das so it's is denka we are uh, we are global दास We believe that कि ऐसे करना चाहिए किसी भी चीज को आप यू कैन एनहांस इट यूजिंग दास ओब के भी अपने यूजेस हैं डब्ल्यू एच कनेक्टर भी यूज कर सकते हो आप बट दिस दास कैन बी यूर सेविडायरेक्ट स्पीच वगैरह छोड़ दो दिस दास कनेक्टर अलोन इज वर्थ ऑल दिस एफर्ट एवरीबडी अंडरस्टूड एकदम सिंपल सेंटेंस होता है लेट्स लेट्स मेक अंपल सेंटेंस मुझे याद दिलाना जब नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं ना हम विल विल डू दिस कि भाई क्रिकेट इज बेटर देन फुटबॉल या फिर ऐसे कुछ भी एक ये है एकदम सिंपल सेंटेंस है क्योंकि हम बेटर देन एंड ऑल नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं तब मैं आपको बताता हूं कि इस दास का यूज कैसे कर सकते हैं आई बिलीव दैट दिस 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 आई बिलीव दैट टी इज बेटर देन कॉफी आई मस्ट से दैट टी इज बिलीव देन बेटर देन कॉफी समझ रहे हो एवरीबडी अंडरस्टूड द कंसेप्ट पांच पांच yes. बनाएंगे, बनाएंगे। गाइस थोड़ा एनर्जी थोड़ा एनर्जी यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आर यू एंजॉइंग दिस और नॉट क्योंकि अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो ना तो इसका कोई यूज नहीं है मैंने बोला ना ये सारा द सेम ये जो वीडियो है ना लास्ट क्लास का अवेलेबल है देर इज नो पॉइंट इन मी फिर से वही मतलब वही कथा फिर से सुनाने में कोई पॉइंट नहीं है अगर आप ये इंटरेक्टिव नहीं है अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो समझ रहे हो ना मतलब आई गिव यू वेरी नाइस एग्जांपल आज आप में से जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे हैं मेरे साथ उनको मैं कल वीडियो भेजूंगा मेरे साथ आर यू एंजॉयिंग दिस मेरे साथ कुछ लोग मेरे जैसे मैंने बोला कि आई टीच इन महाराष्ट्र मारा, के रूरल स्कूल्स भी में भी मैं सिखाता हूँ उसमें से वहां पे आजकल गैदरिंग्स चल रहे हैं गैदरिंग गैदरिंग आई होप स्नेह सम्मेलन जिसको बोलते हैं तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो एकदम ऐसे गणेशवाड़ी करके एकदम छोटे छोटे गाँव है वहां से आए हुए कुछ स्टूडेंट ने उनका उनका उनके उनके गैदरिंग में कुछ जर्मन की बातें बोली थी उसका वो वीडियो मुझे आया है

किया। I am now beyond that. मुझे मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट इफ यू आर नॉट सब करने में पॉइंट नहीं है। आज आज हमने हमने सिर्फ सिर्फ इस क्या सीखा? देखो, what we need to understand. आज हमने सिर्फ दो नए सीखे। दास और तो वर्बमेंडर तो हमने लास्ट टाइम में सीखा था और आप पूरा इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हो जर्मन में समझ रहे हो यू अंडरस्टैंड इससे अगर खुशी नहीं मिली ना तो बाकी सब बेकार है समझ रहे हो राइट यस अनफॉर्चुनेटली यू आर लाइक मी एटलीस्ट हमारे जमाने में तो लाइक फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स बैक जब हम सीखे सीखना एक सजा होनी चाहिए ये हमारे कहीं पे तो है कि भाई एग्जाम का डर ऐसे लगना ही चाहिए लर्निंग कैन बी फन ये जब तक नहीं आएगा ना वो देखो एटलीस्ट जब आप एट नाइन स्टैंडर्ड में है तो कोई तो कोई रट्टा मारने के लिए पीछे पेरेंट्स बैठे होते हैं कि भाई कर वरना ये करूंगा या टीचर बैठे हुए हैं इफ यू आर अगर आप एडल्ट हो अपना खुद का खुद कमा रहे हो एंड ऑल इफ यू डोंट एंजॉय इट आप नहीं कर पाओगे मेरे साथ मैं, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो मेरे से अच्छे थे बट दे स्टॉप डेट बीवन आई कुड डू टिल टीट क्योंकि अंदर से मुझे चाहिए था मुझे उससे कुछ नहीं मिलना था मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ओके सो एंजॉय देखो अगर नहीं किया तो किसी का कुछ नहीं जाएगा नेक्स्ट पांच सेंटेंस पर मुझे आपको सोल्व करने के लिए सिर्फ डन नहीं लिख रहे हो आप सॉल्व करके डन अगर लिखना है तो हम आगे जा सकते हैं ठीक है चलो पांच सेंटेंसेस बनाते हैं एंड देन वी विल स्टॉप अभी के लिए मैं थिंक पे ही रह रहा हूँ क्योंकि आपको बाकी सारे वर्ड नहीं पता होंगे कुछ भी कर रहा हूं मैं आई वॉन्ट टू आस्क नॉर्मल होगा आई वॉन्ट टू आस्क विल फ्रागन राइट right? इप तो वाला नहीं करता Let's keep it simple for now. To know is vision. To know is vision. Again, that's a very interesting thing to know. If uh, third I would like to is more polite. I want to know is not bad. I would like to know. Yeah, i see four five was see was have you answered yeah i think was he cannot talk uh, huh, was see uh, uh, can you hear me was no, sir. Okay, then after 15 seconds, answer, okay? By the way, it's Wasim from Kali. Oh, it's Wasim, okay. Okay. So, I'll still wait for a few dance because I still don't have almost done from 70 people. We'll yeah. wait for other... Why so is in, uh, Can you see it now? Is it or is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, was seen. Yeah. It, uh, I think that we should learn Spanish. Which denka does Spanish Leon Rome. स्पेनिश लर्नन जोलन जोलन बोला ना तुमने स्पेनिश जोलन देखो आई थिंक यू गॉट कंफ्यूज विथ आई मैं कुछ भी सिंक करो स्पेनिश किसने सीखनी है वी शुड तो बी का जोलन ही हो अगेन द इजिएस्ट वे द इजिएस्ट वे सॉल्व टू सॉल्व इज पहले वी आर जोलन स्पेनिश लर्नन कर लो और फिर जोलन को एंड में डाल दो दैट आई थिंक यू डिड Yeah. Okay. Next, I want to ask: Is Mark in Berlin? Uh, ich will fragen, ob Mark in Berlin ist. Very nice. Ich will fragen, ob Mark in Berlin ist. Very nice. Next, okay. I would like to know where Mark is. Uh, where is Mark? Sorry. Uh, ich möchte wissen, wo Mark ist.

Yes. one Second. Okay. Anybody else ki bhai maine to लिखा tha yahi correct hona chahiye Um in the second one, uh, I have written Ishwil Fragen. Ob Mark Im Berlin ist. So is it I M Im or I N In? अभी वो अपना ये point नहीं है मैंने बोला ना कि उसमें नहीं जा. In In जो भी लिखना है लिखो. अभी के लिए East End में गया that is important. Yeah. <laughs> okay. Thanks. Anyone else? एनीम uh, एल्स is... uh... मैं फिर से बताता हूं आई वॉन्ट टू आस्क इज मार्क इन बर्लिन तो इज मार्क इन बर्लिन जर्मन में क्या होगा इस्ट मार्क लाइक इस्ट मार्क इन बर्लिन पर अपना क्या है वर्ब एंड में जाएगा ओब मार्क इन बर्लिन इस्ट कॉन्जुगेटिंग वर्ब एंड में जाएगा ओब मार्क इन बर्लिन इस्ट अंडरस्टूड हेलो प्रोफेसर फर्स्ट वन यस ऑन द थर्ड ऑन द थर्ड वन कैन आई राइट विश वुडिट कैनन बो मार्क इज प्लीज डोंट गो देर आई अगर आपको ज्यादा आता है ना तो फिर वहां पे मत जाओ कैनन क्यों रॉन्ग है मुझे पता है पर प्लीज डोंट गो देर आई डोंट लाइक द वुर्डा और कैनन आई आई विल नॉट आंसर मतलब आई नो कौन सा जेन्युइन क्वेश्चन होता है कौन सा नहीं है वुर्डा वुर्डा लेट इट गो

We are Spanish learnen Zolan. Understood? Okay. A okay. yeah. uh, quick in question. Yeah, uh, is there is there a question mark in the second in the end of the sentence? it's supposed to be there or uh it whatever you think in English? I will make it simple. Okay. If you if you would have if you would have put it in English or not, it's it's context based Let's not go there. That's what I'm saying. Okay. I okay. want to know. At the end, it's I oh, want to know, right? Yeah. I want to ask.

राइट वेयर जो आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था नो टूडे फर्स्ट तो फिर कैसे आएगा सर

प्लीज गाइस इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस आप नहीं समझे ना दस बार पूछो आई एम देयर दो ओनली टू क्वेश्चंस में क्वेश्चन मत पूछो आई डोंट लाइक इट पहली चीज आगे का कुछ मत पूछना आई नो जब आप आगे का कुछ पूछ लेते हो कि भाई जब काइंस वगैरह मुझे पता है तो जब मैं अपने बोल रहा हूं ना कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उस स्कूल के हम हेडमास्टर रह चुके हैं ये सारी चीजें हमने भी की हैं और सेकंड थिंग इज आप अटेंड करके अगर पीछे का अटेंड नहीं किया फिर वो मत पूछो दैट्स right? mm -hmm. नॉट पूछो जैसे अभी ने पूछा कि वो ऐसे क्यों आता है सर्टेन पेस राइट ओके सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर ऑलरेडी लोग छोड़ के जा रहे हैं सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर एनी बड़ी लास्ट क्वेश्चन एनी वन लास्ट क्वेश्चन आज जो हमने सिखाया उसपे

अरे ये तो आप मतलब ये मतलब वो जो पूरी रामायण पढ़ने के बाद आप राम की सीता कौन पूछ प्लीज लास्ट सेशन पढ़ के आओ अगर आपको मैं आपको नहीं समझा सकता इस... और ये मैंने करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आज आपको मैंने बताया और कल दूसरे किसी ने पूछा तो बोलेंगे अरे उसको बोलो मेरे को नहीं समझ रहे हो ना ठीक है मिल जाएगा

end position of verb. My question was about London and Spanian होगा या फिर Spanian and London होगा. That was the thing that I had. तो फिर तो आपको एकदम बेसिक में प्रॉब्लम है ना <laughs> क्योंकि वॉट इज द क्वेश्चन लेट मी मैं सिर्फ एक मिनट के लिए ले रहा हूं वॉट वाई डू वी शुड लर्न स्पेनिश क्या होना mm -hmm. चाहिए वी शुड लर्न स्पेनिश ये क्या है so

मैं फिर से डब्ल्यू व्हाट्सएप सेवन फिफ्टी वर्ड की लिस्ट दो दिन में दे दूंगा प्लीज मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में मैं किसी को भी रैंडमली रैंडमलीफ्टी वर्ड ऐसे ही पूछूंगा मतलब डराने के लिए नहीं बट वी शुड नो अगर ए टू करना है तो ए वन के वर्ड आने चाहिए राइट एवरीबडी एग्रीज टू दिस क्लास आई आई वॉन्टेड टू फिनिश टूडे बाई से पहले जो टेस्ट में पंद्रह मिनट गए पर आई थिंक दे वर वर्थ समझ में आया हम क्यों टेस्ट करते हैं सेड yeah, yes. हर कोई वही मिस्टेक करता है आपको लगता है ना क्योंकि हर कोई जंप करता है हर किसी को लगता है कि भाई मैरिज ऐसा कोई नहीं समझ रहे हो ना पर आपके जैसे ही सारे लोग होते हैं यही हमने अगर सोचा है एवरीबडी थिंक्स ही इज यूनिक मतलब अपनी हर स्टोरी का हर कोई हीरो है समझ रहे हो ना पर हीरो नहीं होना नॉर्मल रहो जब सीख रहे हो तब तो, बाद में देखते हैं ठीक है Okay, guys. Then me let's Bye. meet. Thank him. you, sir. Good night, sir. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. 750 word. Yeah. Thank oh, you. Seven fifty word. Yeah. Thank oh, you.